कि सब लोग ठीक होंगे। तो अभी अभी जो है सुबह का टाइम है और हम आज आपको बाहर नज़र आ रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं साहिवाल कुछ आउटिंग पे। तो मामा पापा भी मेरे साथ हैं इधर, तो आगे चलते हैं और आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या क्या करते हैं। फ़िलहाल तो हम 6:30 बजे के घर से निकले हुए हैं, तो चलें चलते हैं हमारे साथ। हम लोग साहिवाल तकरीबन पहुँच ही गए हैं, ये लोकेशन है अभी। तो अभी थोड़ा सा रास्ता हमारी लोकेशन पर रहता है जहाँ पर हमने जाना है, फिर हम लोग उधर चलेंगे। तो इनके पास काफ़ी कुछ अवेलेबल है, तो अंदर जाके हम देखते भी हैं। हम इनके वॉशरूम जा रहे हैं क्योंकि सुबह के आपको पता है निकले हुए हैं, खाना भी खाना है, हैंड वॉश करने लगे हैं। बाय द वे मेरी मेहंदी लगी है और कलर जो है इसका वो डल हो गया है। तो चले ऊपर देखते हैं यहाँ पे वॉशरूम कहाँ पे है और फिर हैंड वॉश करते हैं। ना जो है घर से बना के लाए थे, ये मामा हमें सबको सर्व कर रही है और ये कीमा भी है और नरमीन इधर। तो चलें खाते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। तो विलेज हमने कभी भी नहीं देखा था, लेकिन इस दफा हमने सेकंड बार देख लिया तो बहुत ही प्यारा वो देखने लग रहा है वहाँ पर लिखा होने लगी। और अब यहाँ पे टूल प्लाजा आ गया है, ये क्रॉस करके हमने फैसलाबाद जाना है। जी फैसलाबाद अभी 82 किलोमीटर है यहाँ से। अभी यहाँ पर रावी आ गया है, ऊपर पे लोकेशन लगाई थी उस पर तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट पहुँच गए। अब यहाँ पे हम पता कर रहे हैं कि वो हमारी जो लोकेशन है वो कितनी दूर है। हाँ। तो अभी चलते हैं और देखते हैं, दुआ करते हैं हम कि हमें मिल जाए चलें देखते हैं जाके, फिर आपसे भी मिलवाएंगे कि हम किससे मिलने आए हैं, क्या काम करने आए हैं। आप देख रहे थे कि हम सुबह से सफ़र में थे और हम आपको बता नहीं रहे थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आप इनको जानते होंगे, नवाज भाई को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा लग गया है। अलहमदुल्ला सिस्टर और जेड मिलन आए ने पूरी फैमिली नाल और साढ़े को जो हो सके असं जेड़ ना किया, लेकिन ये कि अचानक आए ने असं मुँह हाथ धोता है बस ना, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये किस एरिया में रहते हैं, किस सिटी में रहते हैं। तो हम ढूंढते ढूंढते आपके सामने इनके पास पहुंचे और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जैसे ही अपने चैनल पे नजर आते हैं उससे कहीं ज्यादा। बाकी जो हैगा सी सिस्टर ने पूछा, साड़ी बेटी भी आ, छोटी सिस्टर भी आ, जो मसलन तुसी पूछोगे असीं जेड़ा दस देवांगे किस तरह चैनल चलाना है, की करना की नहीं करना। बाकी किस्मत की गल होंदी आ, वायरल होना या कामयाबी ओ उते दा बात रहती है। भाभी शाजिया ने चाय बहुत अच्छी बनाई है, हमें चाय उनके घर की बहुत अच्छी लगी है। मेहमान नवाजी और हम उनके प्यारे से गार्डन में बैठे हैं जो हम वीडियोस में देखते हैं। मैं रोजाना ये गार्डन जो है वीडियो में देखती हूँ, लेकिन आज मैं लाइव उनके घर पे बैठी हूँ चेयर पे और उनके साथ बैठी हूँ भाभी शाजिया के, और हम ये ब्लॉग बना रहे हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगा हमारा ये छोटा सा। भाई के घर हैं और इनका घर जो हम विजिट कर रहे हैं, अभी हम उनके प्यारे से गार्डन में बैठे हुए थे और ये देखिए नरमीन प्यारे प्यारे जो हैं फ्लावर्स लगे हुए हैं, और ये जो हम उनकी वीडियो में देखते हैं उनका कुकर ये देखें, और इन्होंने ये मर्द का किचन बनाया है बहुत प्यारा, आपने इनके व्लॉग्स में देखा होगा, बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं।
तो मामा पापा उनके साथ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हम इनके घर जो हैं पहुंच गए हैं। और वो जिस तरह अपने चैनल में होते हैं उसी तरह नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। जैसा वो अपनी वीडियोस में घर दिखाते हैं वहीं से गार्डन से, पीछे उनके जो है पूरा विलेज है, पूरे खेत है। तो अभी हम उनको बोलेंगे कि दोनों, बल्कि उन्होंने बोला कि आप दिखाओ ने भी एक बंदा बाहर से। वाओ, ये देखें जरा कितना प्यारा है यहाँ पे। हम इनके व्लॉग में देखते हैं, बहुत प्यारा ये वैसे भी जैसे वो दिखाते हैं सेम वैसे ही अनन्या। हाँ जी, तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हम इनके घर आ गए हैं और वो हमसे इतने अच्छे तरीके से मिले हैं। मुझे तो लगता था कि वो अंदर भी इनवाइट नहीं करेंगे। तो मामा को भी बहुत शौक था, तो मामा ने भी यहाँ से देखना है। तो मामा, ये सेम वैसा ही लग रहा है ना जैसे वो अपनी वीडियो जैसे हम व्लॉग में देखते हैं इनके। उनके बच्चे जो हैं वो वहाँ स्कूल से आ रहे होते हैं पैदल, वो यहाँ से जूम करके कैमरा और दिखा रहे होते हैं। कैसा लग रहा है इनके घर आके, इनसे बात अच्छा करके? और हमें उम्मीद नहीं थी कि हम लोग यहाँ तक पहुँच जी, बट हम लोग पहुँच गए और बहुत अच्छा लग रहा है। और उनकी नेचर कितनी अच्छी है, जैसे वो चैनल पर है रियलिटी, उनमें किसी बात का गुरूर एटीट्यूड नहीं है। और उनकी वाइफ ने चाय बहुत मज़े की बनाई है। तो चलें उनका जो बेबी आया था वो जाके देखते हैं, इनका रूम देखते हैं जो उन्होंने ट्रेडिशनल स्टाइल से जो है डेकोरेट किया हुआ है। और ये देखें, ये विलेज में ही होता है वाकई। ये देखें उन्होंने कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट करके रखे हुए हैं कि गिरे भी नहीं रहे हैं। हालांकि शीशे के ग्लास और प्लेट्स बिल्कुल सामने हैं, ट्रेडिशनल स्टाइल है और बहुत प्यारा लग रहा है। किस तरह से उन्होंने कम स्पेस में अपनी चीज़ें जो हैं वो स्टोर की हुई हैं। और मामा और नरमीन भी यहाँ पे देखे हैं, आपको कैसा लग रहा है दोनों को? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है गांव का। हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हम नवाज भाई से मिल लिए, हम आए हुए जी उनकी फैमिली से हम मिले, और वो बहुत ज्यादा अच्छी नेचर के हैं। तो चले उनका बेडरूम भी देखते हैं जाके। न्यू बाइक ली थी ये, वो है उन्होंने अपने रूम में ही यहाँ खड़ी की, सारा विजिट कर लिया। और वो पापा और नवाज भाई बैठे हुए हैं, ये देखें गार्डन और वहाँ से जो विलेज है कितना प्यारा लग रहा है। मेरे भैया भी ऐसे करते हैं, शादियां वादी से जो है बातें कर रहे हैं और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा है। हमें भी अच्छा लगा, माशाल्लाह बहुत प्यारी फैमिली है। थैंक यू। इनके रूम में हम बैठे हैं और अभी इनके जो बच्चे हैं वो स्कूल गए हुए हैं, अभी स्कूल से आए नहीं क्योंकि अभी तो सुबह का टाइम है, हम सुबह के निकले हुए थे। तो मिल के इनसे बहुत अच्छा लगा है। और सामने नरमीन भी बैठी हुई है। सवा 6 बजे की हम सुबह के निकले हुए आप लोगों से मिलने के खाते मेहमान मतलब पता लग जाए ना काफी हो जाएगा ठीक। हाँ हो जाएगा ठीक। नहीं, उसके हाथ देखें वाइट है, उसके हाथ उसका कलर हो जाएगा अच्छा। ओपन एरिया से हम मिल रहे हैं और शाजियाबादी से भी, तो बस अब हम घर जाने लगे हैं और इनसे मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। तो आपने हमारे घर लाजमी आना जब भी आपने लाहौर आना, ठीक है? प्रॉमिस जब भी आपने आना है हमारे घर आना। अगर जब ये तो बच्चे सारे नाल हो, ये देखें ये इनका छोटा बेटा और ये इमान फातिमा। इंशाल्लाह कदे अगर गुजर बसर कॉल करेंगे नंबर सेव कर लेना ना, जब भी आना हो तो दस देता इंशाल्लाह। तो चलें घर चलते हैं और फिर रास्ते में आपसे मिलते हैं। अभी आप अपना फोन नंबर दे दो ना। दूर जो इनकी वीडियोस में नज़र आते हैं ये वो हैं, इन्होंने खुद बनाए हुए हैं, ये देखें। तो चलें बाकी घर चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। आए हैं और अभी ये रास्ते में हम रुके हैं और वहाँ पे हमें गुड़ नज़र आया है और हम वो देखने जा रहे हैं। अब धूप जो है वो बहुत तेज़ हो गई है। तो चलें जाके देखते हैं वो गुड़ किस तरह बन रहा है। ये देखें यहाँ पे ये इस तरह से गुड़ रेडी होता है। और ये देखें जरा सब जो है वो देखने रुके हैं और इसकी खुशबू जो है वो बहुत मज़े की आ रही है।
और फिर इस पे भी आता है और फिर बन के सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। वहाँ पे बना हुआ रखा हुआ भी है तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें नरमीन, हाँ जी ये देखें, अगर किसी को चाहिए तो ये देखें आके ले लें। तो चलें गाड़ी में चलते हैं, धूप बहुत ही ज़्यादा। हाँ जी चलें चलते हैं और फिर अब हम घर भी जा रहे हैं। मामा यहाँ पे गुड़ टेस्ट करने लगी हैं, ये देखें बना हुआ फ्रेश गुड़ है ये। कैसा है पापा? चलें चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग स्टे यहाँ पर रुके हैं, बहुत ही ज़्यादा थक गए थे बैठे बैठे, तो अभी चलते हैं और फिर अंदर देखते हैं। देखते हैं, मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो खाने आई हूँ। आज मैं नरमीन बन गई, देखते हैं क्या खाते हैं। हमने जो खाना था वो खा लिया और अभी ये देखिए मैं झूला ले रही हूँ। बहुत मज़ा आया, हमारे स्कूल में भी ऐसा झूला होता था जो कि हम छोड़ते ही नहीं। यहाँ बैठ के मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं सो जाऊँ। और नरमीन जो है वो गाड़ी में बैठी हुई खाना खा रही है, तो अभी मैं मिलवाऊँगी उससे भी आप। कितना प्यारा व्यू है और यहाँ इतना सुकून मिल रहा है। यहाँ पर लाहौर का टूल प्लाजा आ गया है और हम लाहौर जो है वो एंटर हो जाएंगे और कुछ देर में अपने घर पे पहुँच जाएंगे जी। तो फिर आपसे घर जाके मिलते हैं, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और मुझे बहुत नींद आ रही है। चलिए फिर आगे चलते हैं। सिग्नल है लाहौर एंटर होने का, पता लग गया है कि हम लाहौर एंटर हो गए हैं, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है आजकल। तो आ गए थे और बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और नरमीन जो है वो तो सो चुकी है। अभी हमने खाना खाया, चाय पी और जो सारा चीज़ें थी नीट किया, कुछ बर्तन वगैरह थे वॉश करने वाले, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और इस बात का शुक्र अदा किया कि हम उनसे मिल लिए और हम जैसे वो चैनल पर नज़र आते हैं सेम वैसे ही उनकी नेचर बहुत अच्छी थी। हमें तो यही था कि पता नहीं वो मिलेंगे भी या नहीं, या अपने घर भी एंटर होने देंगे नहीं या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप फैमिली के साथ हैं और वो अपने फैंस से जो हैं वो मिलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा थक गए हैं सुबह के निकलते हुए। नरमीन तो सो भी चुकी है, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें, और जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर आए हैं उनका दिल से वेलकम। तो हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।